नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक राजयोग पुष्कल राजयोग, जो कि ऐसा योग अपने जीवन में अपने मेहनत के दम पर, अपने कर्म के दम पर ऐसे लोग जीवन में अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। और इसी निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो हमारे विचारों की रेखा होती है। और इस बुध के क्षेत्र से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि हम प्रेम की रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले यह योग इतना प्रभावशाली होता है। कहते हैं ना कि कोई कर्म अगर आप अपने मन से सच्ची लगन से करते हैं तो वो अवश्य कामयाब होता है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है। और उस मेहनत को निरंतर प्रयास में लगे रहना, ये आपकी शक्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार से ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कहते हैं ना कि शुक्र की एनर्जी, शुक्र की कला ये लग्जेरियस लाइफ को देता है, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाता है। और हम किसी जब भी लड़के की शादी की बात करते हैं तो शुक्र का पर्वत अवश्य देखते हैं। अगर शुक्र का पर्वत दबा हुआ है तो उसके अंदर पावर की जो क्वालिटियां हैं वो विकसित नहीं होती हैं। और अगर ये पर्वत दबा होता है तो मैरिज होने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी प्रकार यहां से शुक्र के पर्वत से एक रेखा शनि के पर्वत तक पहुंची हो, शनि के पर्वत पर पहुंचने का अर्थ यहां पर होता है कि यह योग पुष्कल योग बनता है। उसके लिए शुक्र का पर्वत ये उठा होना चाहिए, जिसको कहते हैं विकसित हो। क्वालिटियां तभी दर्शाती हैं, पावर तभी ज्यादा बढ़ते हैं इन पर्वतों के, जब वो पर्वत उठे होते हैं। और ये शनि का भी पर्वत उठा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। और ये शनि की जो फिंगर्स है ये ट्रेस हो, सीधी हो, ये पर्वत उठे होने चाहिए। और ये भाग रेखा शुक्र के पर्वत से चलकर शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को हम पुष्कल योग कहते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में सभी वो भौतिक सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार से एक रेखा ये हमारे मणिबन क्षेत्र से चलकर शनि के पर्वत पे पहुंचने वाली रेखा को ये भी पुष्कल योग को दर्शाती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अधिक मेहनत, इस योग का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे और उस मेहनत के आधार पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये योग दर्शाता है कि खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की रेखा है प्रबल, सफलता आपके साथ है। शनि की रेखा अगर किसी प्रकार का दोष नहीं है तो ऐसी रेखाओं का होना जीवन में काफी ऊंचाइयों की तरफ इशारा करती हैं। ऐसे लोगों का भाग्य काफी प्रबल होता है। सिर्फ एक मेहनत करने की जरूरत होती है, एक परिश्रम करने की जरूरत होती है और ये परिश्रम कामयाबी मिलती है। ऐसे लोग अपने मेहनत को अगर किसी भी कार्य में लगाते हैं तो सफलता उनके हाथ लगती है। और ये योग, और ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, ये चंद्र का पर्वत है। चंद्र का जो पर्वत है
ये कलाओं के बारे में बताता है। आपका मन कैसे है, कितना खुश है, किस चीज की एक्टिविटी है। और ऐसे लोग प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, हर चीज का सुख का अनुभव लेते हैं। यहां से एक रेखा चंद्र के छेद से निकलकर शनि की पर्वत पे पहुंचने वाली रेखा को यह भी पुष्कर योग को दर्शाती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने घर से दूर अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं और इनकी मनोइच्छा पूर्ति होती है। और एक रेखा इस हमारे चंद्र पर्वत से क्षेत्र से निकलकर भाग रेखा के साथ मिले और इसी भाग रेखा के साथ चलती हुई शनि के पर्वत तक पहुंच जाए। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और अपने लाइफ में इनको देश विदेश की यात्राएं होती हैं और ये लोग कामयाबी इनको अवश्य मिलती है अपने जीवन में। और ये हमारी जो भाग रेखा है और एक भाग रेखा इस सन के मोड़ पे पहुंच जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं हस्तरेखा की सीरीज में ये सूर्य का पर्वत और सूर्य की फिंगर हमारे स्टेटस को बताता है, हमारे मान सम्मान को बताता है। ऐसे लोग अगर सरकार की सेवा में हैं, सरकारी नौकरी का सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो अपने मेहनत पे ऐसे लोग अपने जीवन में अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और उनके कामयाबी उनके हाथ लगती है और सफलता उनका साथ देती है और मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।